मम्मी आप कहाँ हो? क्या हुआ बिटिया, रो क्यों रही हो? मैं जिस आंटी के साथ आई थी वो आंटी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रो मत, तुम्हारी आंटी नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आएंगे। अरे रो नहीं, आइसक्रीम खाओगी? चलो हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, चलो आओ। रो मत बेटा, आइसक्रीम खाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आ जाएंगे, उन्हें पता है ना तुम यहां हो। लो आइसक्रीम खाओ। रमेश यहां गार्डन में आ जाओ, एक शिकार मिला है। मॉम ये आप क्या कर रही है? अरे ये मसाज रिलैक्सर है, 100 रुपए में बिक रहा था उस सिग्नल पर, तो मैं ले आई। अरे सस्ते में पड़ा ना। मॉम आप हर वक्त पैसे के पीछे रहते हो, आप क्या करोगे इतने पैसे बचाकर? अब तुम ना मेरे पैसे का टेंशन छोड़ दो, मुझे ये बताओ मैंने जो काम बताया था वो पूरा हुआ या नहीं? यस मॉम, सक्सेसफुली डन। अब वो वैष्णवी अकेली वहां गार्डन में झूला झूल रही होगी। और बाकी बच्चे? बाकी के बच्चे वो तो मेरे साथ है, मैं उन्हें घर ले आई हूँ। किसी ने पूछा नहीं कि वैष्णवी कहाँ है? नहीं मॉम, अब तक तो नहीं पूछा। उन बेवकूफ लोगों को यही लग रहा होगा कि वो यही कहीं खेल रही होगी। और हाँ, मुझे नरेंद्र मिला था गार्डन के बाहर, लेकिन थैंक गॉड उसने मुझे कुछ नहीं पूछा। अब वैष्णवी अकेले पागलों की तरह घूमते घूमते थक गई होगी। हाँ लेकिन वैष्णवी वापस नहीं आई, ये बात घर वालों से ज्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। और कहीं ऐसा ना हो पूरा परिवार उसे ढूंढने निकल पड़े और उसे वापस ले आए यहाँ। नहीं मॉम, ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है वैष्णवी अभी तक गार्डन में होगी? अगर उसे मैं या बाकी बच्चे नहीं दिखेंगे ना, वो खुद ब खुद गार्डन से बाहर आकर ढूंढने लगेगी। और बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में लोग खो जाते, तो वैष्णवी बच सकती है। कौन खो गया? वो आजोबा वैष्णवी हमारे साथ वापस नहीं आई, वो तो गार्डन में ही छूट गई। किडनी, तुम बच्चों को घुमाने गई थी ना, कहाँ है वैष्णु? अब मानव जी, किन्नरी मुझे अभी भी यही बता रही थी कि गलती से वैष्णवी गार्डन में छूट गई, पता नहीं कहाँ गई होगी वैष्णवी। मानव जी जल्दी से कुछ कीजिए, ढूंढ निकालिए ना, अभी ये एक जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से नहीं निभा पाती। कौन से गार्डन ले गई थी? वो पब्लिक गार्डन। बाबा आप इतनी जल्दी कहाँ? सोनू बेटा क्या हुआ? अच्छा वैष्णवी गार्डन में छूट गई, आज सुबह उसे ढूंढने गए हैं। एक और आइसक्रीम खाओगी बेटा? देखो वनीला है वनीला। मुझे नहीं खानी, आपने कहा था ना मेरी आंटी मुझे लेने आएगी, तब तक क्यों नहीं आई? नहीं आई तो ना सही, हम है ना, अरे हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। आपको हमारा घर पता है? पता तो नहीं है, पूछते पूछते चले जाएंगे। अरे ये मुंबई शहर है, यहाँ पता ढूंढना बहुत आसान होता है। तो चले? नहीं मुझे नहीं आना, मैं यहीं रुकूंगी। तो यहाँ बैठ के क्या भजन सुनना है? थोड़ी देर में पार्क भी बंद होने वाला है, थोड़ी देर और बैठे रहे तो पुलिस ले जाएगी। चुपचाप हमारे साथ चल, वरना उठा कर ले जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हो, बच्ची डर जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हो, बच्ची अकेली है घबराई हुई, डर जाएगी, कहीं शोर मचा दिया तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं संभालता हूं। अरे बिटिया
वो अंकल है ना थोड़ा गुस्से वाले हैं, तू उनकी बातों पे ध्यान मत दे, मैं हूं ना तेरे साथ, तू मेरे साथ चल। चले भाई साहब, आपने यहाँ किसी बच्चे को देखा? नहीं साहब, यहाँ पे तो कोई बच्ची नहीं है और अभी गार्डन बंद हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है, बच्ची आई थी गार्डन में, आपने देखा होगा, याद कीजिए। सारे बच्चे एक दो घंटे पहले ही निकल चुके हैं। होती तो भी आपको कैसे पता चलता, बैठे बैठे खराटे मार रहे थे आप। नहीं साहब, मैं यहाँ बैठा हुआ था और बैठे बैठे आंख लग गई और आप बेमतलब का मुझ पर। ऐसे नहीं पता चलेगा, चलो पुलिस स्टेशन चलो। नहीं नहीं साहब, मत जाइए पुलिस के पास, मैं बाल बच्चे वाला हूँ साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं रोड पर आ जाऊंगा साहब। तो फिर बताओ बच्ची कहाँ है, बच्ची को देखा यहाँ? कौन सी बच्ची साहब, आपके पास में उसकी कोई फोटो वोटो है? फोटो नहीं, बच्ची कैसे दिखती है ये मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी बच्ची है, 10 साल की, ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहना है, वो स्लैक्स पहनते ना, और चोटियां बांधी, हाँ दो चोटी बांधी है और उसके हाथ में गुड़िया है। हाँ साहब, एक बच्ची तो थी वहां पे बैठ के आइसक्रीम खा रही थी। हाँ तो कहाँ है वो, उसी बच्ची की बात करें, कहाँ है वो? काफी टाइम तक बैठी थी, पर मैं पान लाने के लिए गया था, वहां से लौटा तो फिर वो जा चुकी थी। क्या भैया तुम भी ना? साहब प्लीज, आप मेरी शिकायत मत कीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया साहब। देखो भाई, पुलिस के पास तो जाना ही पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना, फिर से कोई भी बच्ची इस तरह से पता नहीं कहां होगी। वैष्णो कैसे हो सकते हो? अरे ये तीनों तो बच्चे हैं। किन्नरी तुम तो बड़ी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तुम जब बच्चों को लेके गई थी, तुम वैष्णवी को वहां छोड़ के कैसे आ सकती हो? I'm really sorry. Actually, वो क्या है ना, वैष्णवी और मैं इतने क्लोज नहीं है, तो मुझे उसकी आदत नहीं और मैं भूल गई कि वो हमारे साथ आई थी। अब मैं आशी को तो याद से लेकर आई ना, आप दोनों तो समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं उसे जानबूझकर वहाँ छोड़कर नहीं आई हूँ, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं है तो रिश्तेदारी भी नहीं है, तभी तुम उसे वहाँ छोड़ के आई हो। तुम जब इन्हें लेके गई थी तो साथ लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी किन्नरी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गलती हो गई बेचारी से, अब आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? मानव जी गए ना उसे ढूंढने, मिल जाएगी, बस उसी गार्डन में कहीं बैठी हो। और अगर नहीं मिली तो हम क्या कहेंगे साई को, कि हम एक बच्चे को नहीं संभाल पाए? एग्जैक्टली अरे वो अभी अभी मुंबई आई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ के रास्ते, लैंडमार्क्स, घर कुछ नहीं जानती है वो, और हम में से किसी का नंबर भी नहीं है उसके पास, घर आना चाहे ना तो भी नहीं आ सकती, ऑल बिकॉज ऑफ यू। हेलो बाबा, वैष्णो मिली? क्या हुआ आत्या, मिली? मानसी पूरा पार्क छान मारा, एक एक जगह देख डाली, वो कहीं भी नहीं। फाइनली पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आत्या जस्ट हो वैष्णो मिल जाए। मेरी गलती थी, मुझे नहीं ले जाना चाहिए था। अब क्या फायदा, अब जाओ जाके ढूंढो, पहले रिस्पॉन्सिबल बनना था ना। हेलो बेबी। हेलो दादा, आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाओगी ना दादा? नहीं, पर ऐसा क्यों बोल रही हो? इसलिए पूछ रही है क्योंकि तुम ही ने सब बच्चों को घर ड्रॉप किया है ना। हाँ क्यों? हाँ तो वैष्णवी कहाँ है, उसे कहाँ छोड़ा है तुम पार्क में? वैष्णवी बच्चों के साथ ही, मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि वैष्णवी हमारे साथ नहीं है। वो क्या है ना, मुझे इतना सरदर्द हो रहा था कि मेरे दिमाग से निकल गया। I'm really sorry. एक मिनट, क्या हुआ, क्या है, तुम इतने घबराए हो क्यों, कहाँ है वैष्णवी? हजोबा उसे ढूंढने गए हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं मिली, उस गार्डन में भी नहीं, उसकी मिसिंग कंप्लेन फाइल करवाने गए। What? अरे तुम, मुझे बताना चाहिए था वैष्णवी साथ। Don't worry, मैं जाता हूँ हजोबा के साथ, उनको ढूंढता हूँ उसको। ओके, डोंट वरी। आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है, आप तो कोई मौका नहीं छोड़ते ना ताई को हर्ट करने का। मानसी प्लीज, ये वक्त आर्ग्यूमेंट का नहीं है। और डोंट वरी, मैं वैष्णवी को कहीं ना कहीं से ढूंढ लाऊंगा। बच्चे ऐसे ही पार्क में खेल रहे होते हैं। आशी मेरा अंदर है ना, ओके जाओ। आत्या वैष्णो मिल जाएगी ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना?
चिंता मत कर मानसी, बप्पा है ना, बप्पा सब ठीक करेंगे। मानसी तुझे तो मैंने समझा दिया, लेकिन तेरी तरह मेरा दिल भी घबरा रहा है। वो मासूम बच्ची इतने बड़े शहर में कहाँ होगी? शशांक, मानसी ने फोटो सेंड की। हाँ एक मिनट जी, ये है इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरी पोती वैष्णवी। ये है बच्ची। एक काम कीजिए, आप ये फोटो मेरे मोबाइल पर सेंड कर दीजिए, ताकि मैं अपनी टीम से कहकर इसका प्रिंट निकलवा सकूं, और साथ ही साथ मैं मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन्स में इस फोटो को भेज दूंगा, ताकि बच्ची को ढूंढने में आसानी हो। इंस्पेक्टर, छोटी बच्ची है, मिल जाएगी ना मेरी पोती? डोंट वरी, आपकी बच्ची मिल जाएगी। ए तावड़े, ये ले फोटो देख, इसकी प्रिंट निकलवा। अनजाने में ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम अपनी बेटी वैष्णवी से इतना प्यार करती हो, और वो अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना ही है। कहाँ होगी वो, कहाँ होगी? आई होप सब ठीक होगी। बचाओ, 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 मुझे नहीं रहना है, घर जाना है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हो, बचाओ बचाओ, क्या हुआ? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। बच्चे बोल रहे हैं? कौन बच्चे? बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, रोज उठाकर ले जाते हैं। कौन उठाकर ले जाता है? पागल आदमी उठाकर ले जाते हैं, पागल आदमी बच्चों को उठाकर शुरू हो जाते। मेरे जैसा समझदार आदमी ऐसा करेगा क्या? पागल। कहाँ ले जाते हैं? जाओ मैं नहीं बताता। देखो प्लीज प्लीज बताओ ना, कहाँ ले जाते हैं? क्यों बताऊं? तुम बचाओ बचाओ बोल रहे थे ना, मैं बचाऊंगा उन बच्चों को, कहाँ ले जाते हैं बताओ? बचाओगे? पक्का बचाओगे? हाँ पक्का। तो देख रहे हो टूटी फूटी मिल, वो खंडर वहीं पे सब हैं। जाओ जाके बचा लो, जाओ। इंस्पेक्टर कुछ पता चले तो, नरेन का फोन है। हेलो। हाँ नरेन। हेलो आजूबा, मुझे अभी अभी वैष्णो के बारे में पता चल गया। पता चला? क्या पता चला? कहाँ है वो? आज वो बातों का वक्त नहीं है, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप प्लीज पुलिस को लेकर वहाँ आ जाइए। हाँ जल्दी भेजो। इंस्पेक्टर जी, नरेन मेरे दामाद वैष्णो को ढूंढ रहा था, उसे वैष्णो का पता चल गया है। आप प्लीज हमारे साथ वहाँ चलिए। कहाँ पर? वो मैसेज कर देगा, आइए। हाँ चलिए। तुम्हारे जैसी डरपोक माना मैंने आज तक नहीं देखी है। बेटे मुसीबत में और तुम उसे छोड़कर जा रही हो। भागने दे मुझे, वरना मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। सुना नहीं क्या तेजू को मानव जी ने फोन करके कहा कि वैष्णवी मिल गई है? बाप रे बाप, अगर किसी को पता चला ना कि इस प्लान के पीछे मैं हूँ तो मेरी छुट्टी हो जाएगी और यहाँ से धक्का मार के मुझे निकाल देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस के हवाले कर दे तो फिर तुम्हें यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकालेंगे और मुझे मेरी आरती उतारेंगे। मां तुम भी, अरे तो खामोखा डर क्यों रही है? हाँ तुझे कुछ नहीं करेंगे वो लोग, तू करमरकर फैमिली की बहू है समझी? और करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दो चार बातें सुनाएंगे या दो चार थप्पड़ लगा देंगे। तू भी तो इस प्लान का हिस्सा थी। मॉम थप्पड़? नहीं नहीं, मेरा फेस खराब हो जाएगा, मैं ये होने नहीं दूंगी। मॉम मॉम कुछ कुछ करो, कुछ सोचो। मैं सब नहीं जानती। पप्पा पप्पा प्लीज हेल्प मी, या तो वो वैष्णवी का कुछ पता नहीं लगना चाहिए, और अगर पता लगता है तो मेरी पोल नहीं खुलनी चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट पापा, प्लीज। कहाँ जा रही हैं आप? बेटा वो मैं नागपुर जा रही हूँ। इतनी रात को अभी जाने की क्या जरूरत है?
आप सुबह चली जाइएगा। कल तक मैं यहाँ रुकी ना और तो मेरा बैंड बच जाएगा। आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, किन्नरी के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। मुझे ना वैष्णवी की खबर देते रहना, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। किन्नरी तो गिल्ट के मारे किसी से आंखें भी नहीं मिला पा रही। तेजू, मुझे पता है आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। इट्स ओके आंटी, अब गलती हो जाती है, क्या करें। किन्नरी के पापा सच में बीमार है ना? नहीं, वो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप इतनी टेंशन में हैं जैसे आपने कोई चोरी की और आपकी चोरी पकड़ी गई हो। ओ शिट, सफाई देने के चक्कर में मैं कहीं फंस गई तो? नहीं नहीं तेजस्विनी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, इनकी तबीयत बहुत खराब है तो मैं जरा टेंस्ड हूँ। ओ अच्छा, मैं जा रही हूँ। ठीक है। इनका बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं। आलू प्याज टमाटर मिलेंगे यहाँ पे? अबे बच्चे लेने आया हूँ मैं क्या? ठीक है, पर तो पुलिस वाला तो नहीं है ना? अबे पुलिस वाला होता तो पूरी टीम के साथ नहीं आता। अब जल्दी बोल, है या जाऊं मैं? ए रुक रुक रुक, इतना भाव मत खा। देख, गैर कानूनी धंधा है तो पूछताछ करनी पड़ती है, लापरवाही से जान भी जा सकती है। कोई माल है दिखाने के लिए? मिल जाएगा, पर अपन जो कीमत बोलेगा वो देनी पड़ेगी। हाँ, पैसे वही मिलेंगे, चिंता मत कर, माल दिखा। जा रहे, ले आ। अरे क्या दिखा रहा है मुझे, हट्टे कट्टे बच्चे चाहिए, मजदूरी करानी है उनसे, यही सब माल है तेरे पास? लालू, आज जो लेके आया ना बैच, वो वाला लेके आ। ठीक है, जा चलो। वैष्णवी तो ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट वगैरह तो नहीं है? मैं ठीक हूँ छोटी माँ। पक्का ना? और इस तरह बिना बताए कहीं जाते हैं? उन गुंडों ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मुझे बता, अगर तेरे साथ कुछ हुआ है, किसी ने तुझे कुछ कहा, प्लीज मुझे बता। तुझे पता है यहाँ सब कितना डर गए थे? मैं भी बहुत डर गई थी, लेकिन नरेन अंकल ने आके मुझे बचा लिया। हाँ उन गुंडों के अड्डे पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी नरेन वहां गया, जिसने वैष्णु को बचाने के लिए
अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। हाँ बेटा मैं भी चलता हूँ। नरेंद्र सर थैंक यू, आपने जो एहसान किया है मुझ पे, मैं थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आई नो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, अगर थोड़ा सा तुम्हारे काम आ सकूंगा तो अच्छा ही लगेगा। सी यू। छोटी माँ मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, चलो ना उनके पास। वैष्णवी अभी हम पापा से मिलने नहीं जा सकते ना, उनकी तबीयत खराब है, वो ठीक हो जाएंगे ना फिर हम उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है? वो कब ठीक होंगे? बहुत जल्द, ठीक है? ठीक। चल। I'm sorry अंकिता, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पता नहीं इस बात की भरपाई कभी कर भी पाऊंगा या नहीं। I hope मुझे जल्दी ठीक हो जाएगा।